जो बेड है, जो हमारे इलाज का बेड है, अगर उसपे लोग मरे या जिए, उसपे तो 5% बढ़ा दी जीएसटी। ये अब राम राज नहीं है, ये भूख राज हो गया है हमारा देश। आप इसको उस एंगल से मत देखिए, आज लोग भूखे मर रहे हैं। ये तो एक सिंबल बना रखा है राष्ट्रहित, उसपे उनको वोट लेना है। लोगों को तो बांट रखा है इन्होंने ना। अगर देश में खाना नहीं होगा तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगा तो मंदिर मस्जिद का क्या करेंगे। मुझे शौक है कि मैं आज विरोध करूं इस धूप में, किस चीज का शौक है मुझे, आप बताओ। गरीब आदमी उनको बुलडोजर से डरा देते हैं, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं बुलडोजर के डर से, हम नहीं डरते इससे। संसद चल रही है और लोग, युवा, नौजवान, किसान, हर कोई सड़कों पर है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को इस बात की। 400 का जब सिलेंडर था, सिलेंडर उठा के ड्रामा करती थी ये, अब 1100 का, अब कहाँ है ये बार की रानी है, इसकी बेटी तो गोद में बार चला रही है, वहाँ पे शराब का धंधा कर रहे हैं तो, और यहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे गरीबों को तो दूध नहीं है पीने के लिए, ये शराब बेच रहे हैं वहाँ पे। इस वक्त मौजूद हूँ शास्त्री भवन के पास, जहाँ पर IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से GST के खिलाफ प्रदर्शन के लिए मार्च निकालना था, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं बैरिकेड करके रोक दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं क्या हालत है आपको। बाहर इसलिए नहीं जाने दे रहा जो GST लागू करी है, तानाशाही शासन है, जो गृह मंत्री जी अमित शाह तानाशाही शासन को चलते हुए, जो हम युवाओं की जनता की, देश की जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है ये सरकार, ये अच्छा नहीं कर रही। ये जो GST लगा रही, दूध दही खाने पे जो 5% की GST लागू करी है इन्होंने, ये अच्छा नहीं कर रही। आज से तुम खुद देख लो, जो पिछली भी सरकार आई है ऐसा कभी GST इन्होंने कभी नहीं लगाया। सर आज ही कमर्शियल सिलेंडर पे 36 रुपए, आज ही कमर्शियल सिलेंडर पे 36 रुपए घटा दिए गए, फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग। अब एक बात बताओ, कमर्शियल सिलेंडर 2200, 3600 रुपए घटाने से क्या फायदा हो जाएगा। अगर 3600 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे घटाए हैं तो जो मिडिल क्लास फैमिली सरवाइव करती है, जो बेड है, जो हमारे इलाज का बेड है, अगर उसपे लोग मरे या जिए, उसपे तो 5% बढ़ा दी GST। तो 3600 रुपए इधर घटाए लेकिन बढ़ाए दूसरे साइड से, ये राजतंत्र है भाई साहब, ये लोगों को परेशान करने का एक एक एजेंडा बन रखा है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों की है, और मिडिल क्लास सर्वाइव जो करेगा दूध दही पनीर पे GST कहाँ से देगा। बेड जिस पे इलाज कराते उस पे परसेंट, अगर उस पे अगर हम मर जाए तो भी हमें 5% GST देना होगा, ये कहाँ का न्याय है। ये तो राष्ट्रहित में कर रहे हैं मोदी जी। क्या राष्ट्रहित है, ये तो एक सिंबल बना रखा है राष्ट्रहित, उसपे उनको वोट लेना है। लोगों को तो बांट रखा है इन्होंने ना, बंटवारा तो कर रखा है देश का। अभी एक भाई ने पूछा कि राम राज आने के बाद भी आपको तकलीफ है, अरे हमें राम राज चाहिए। या हमारा एक नौजवान जो नौकरी नहीं है, राम राज का हम क्या करेंगे, मंदिर मस्जिद का हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगा तो मंदिर मस्जिद का क्या करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास अगर नौकरी नहीं होगा तो आप मंदिर मस्जिद में जा पाओगे, उसमें चंदा दे पाओगे। पिछले 8 साल में 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया है मोदी सरकार ने। ये सब झूठे अफवाह हैं। संसद में रिकॉर्ड पे नहीं, ये सब संसद में उनके एक ही रिकॉर्ड होते हैं, या तो विधायक को खरीदो या तो सरकार बनाओ, संसद में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। आप मुझे आज मुझे RTI दिखा दो कि पिछले 7 सालों में 7 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, कहाँ है वो युवा। तभी युवा रोडों पे निकल रहे हैं, जिनके नौकरी लग गए हैं उनको शौक है कि मैं रोड पे निकल के, मुझे शौक है कि मैं आज विरोध करूं इस धूप में, किस चीज का शौक है मुझे, आप बताओ। क्या करेंगे, आपको तो अंदर कैद कर दिया गया, बाहर तक नहीं। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस हमेशा देश हित में बात करती है और आने वाले वक्त में भी देश हित में बात करेगी, चाहे वो कितना भी पुरजोर कोशिश कर ले, हमें मारे पीटे, हम देश के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और लोग हमारे साथ, क्या लगता है सर आज आपको बाहर नहीं निकलने, बाहर आपको नहीं निकलने दिया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं। आज यहाँ पर हमारा बैठने का एक ही मकसद है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो GST
देश के अंदर गब्बर टैक्स लागू किया है, हर चीज के ऊपर, छोटे छोटे आममर्रा की जिंदगी के ऊपर जो लागू किया है, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। देश में वहां पर संसद चल रही है और लोग, युवा, नौजवान, किसान, हर कोई सड़कों पर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को इस बात की, उसको देखना चाहिए इस ये लोग, यहाँ का देश ये किस हालत में, किन परिस्थिति में है। महंगाई चरम सीमा पर है, आज देखिए डॉलर के दाम आसमान छू रहे हैं। इन्होंने क्या हाल बना दिया इस देश का, 2014 से पहले का देश देखिए, न पेट्रोल इतना ज्यादा था, न डॉलर का रेट, जीएसटी कांग्रेस ने लागू करी थी, यही था मकसद की समान टैक्स एक रहेगा हर चीज में। आज देखिए 5%, 12%, 18%, 28% हर चीज में अपने अपने अलग अलग सिस्टम लागू कर देते हैं ये लोग। सर, इन चीजों को पूछ कौन रहा है? मंदिर बन गया, संसद बन रहा है, मोदी जी दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है, ये लोग ये चीज नहीं देख पा रहे कि इस देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। ये चीज हमें देखनी होगी और ये चीज हमें समझनी होगी कि आज नरेंद्र मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम हमें करना है, नरेंद्र मोदी सरकार को खत्म करने का काम, इस देश के एक एक नौजवान को ये काम करना है और हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा इस मुद्दे में। चलिए, तो देखिए आप किस तरीके के हालात है, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्यों उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, देश की जनता को कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का। अगर ये सरकार ने देश की जनता को दुखी किया है आज जीएसटी लगा के अनाज पे, तो ये सरकार सड़कों पे आई है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज ये डरती है, उन्होंने जनता को पहले डरा दिया, बुलडोजर से डरा दिया। गरीब आदमी झुंगी झोपड़ी वाला डरता है हमारे पे बुलडोजर चला देंगे, पर फिर भी जनता ये इससे दुखी है। आज दो वक्त का उनको खाना नहीं मिल पा रहा, पर कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी गरीबों की आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे जब तक ये गुंगी बैरी सरकार ये जीएसटी वापस नहीं लेती। सर, जीएसटी से किसको फर्क पड़ रहा है? जनता तो मंदिर चाहिए, संसद बन रहा है। मेरी बात सुनिए, ये अब राम राज नहीं है, ये भूख राज हो गया है हमारा देश। आप इसको उस एंगल से मत देखिए, आज लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। हम सम्मान करते हैं हिंदू धर्म का, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मंदिर भी चाहिए, पर लोगों को खाना भी चाहिए, ठीक है ना। अगर देश में खाना नहीं होगा तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे, बात बताइए मेरी। हमारा मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि श्रीलंका वाला हाल नहीं होगा, श्रीलंका को मोदी जी ने मदद पहुंचाई थी। मेरी बात सुनिए, हमारे लोगों को तो मदद दी नहीं कोरोना में, हमारे लोग तो दिल्ली जला है कोरोना से, दिल्ली मरा है। कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे जब दिल्ली में कोरोना था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, तब हमारे बॉस श्री निवास जी ने, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया ने सिलेंडर बांटे थे घर घर जाके, तब तो मोदी जी आए नहीं, वहां तो बेड भी नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल्स में। और ये चाहे केजरीवाल है चाहे मोदी है, ये दोनों फर्जी आदमी है, फर्जी है, झूठ बोलते हैं, ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलकर आ गए। ताली थाली से कोरोना नहीं जाता। अगर हम लोग, मेरी बात सुनिए, ये साइंटिफिक युग है, 21st century है, ताली मारने से अगर कोई ठीक होएगा, मेरा पेट दुखेगा आप तालियां मारेंगे ठीक होएगा क्या? देखिए लोग, वो तो मोदी भगत है, उनके जो भगत है वो करते हैं, आम लोग नहीं उनकी बात सुनते, वो जो चंद लोग हैं वो करते हैं उनकी ड्रामेबाजी, वो कर रहे हैं। आम लोग आज हताश हैं, दुखी हैं, इसका जो परिणाम है 2024 में आपको दिखने को मिलेगा। तो चंद लोग नहीं दे रहे ना? मेरी बात सुनिए, वोट जो लोग दे रहे हैं, अब ये लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का वोट शेयरिंग देखिए, हम 42% हमारा वोट शेयरिंग है, ठीक है। 543 पार्लियामेंट सीट्स है, उसमें से 274 पार्लियामेंट सीट्स पे आप देखेंगे तो सिर्फ 2% के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को सीट्स मिली, ठीक है, उस पर वर्क करेंगे। आपका एक भी सांसद महंगाई का मुद्दा संसद में उठा नहीं, क्यों नहीं उठा रहा भाई? हमारे लोग महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं, ये पार्लियामेंट में हमें बात ही नहीं करने देते, जीएसटी पे नहीं बात करने देते, महंगाई पे नहीं बात करने देते, अग्निपथ पे बात नहीं करने देते। ये श्रीमती ईरानी जी है जो ये बात को वहां पे मोल्ड कर देती है, ठीक है ना, वहां पे उसके बात नहीं करती। ये 400 का जब सिलेंडर था, सिलेंडर उठा के ड्रामा करती थी ये, अब 1100 का, अब कहाँ है ये बार की रानी है, इसकी बेटी तो गोवा में बार चला रही है, वहाँ पे शराब का धंधा कर रहे हैं वे लोग, और यहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे गरीबों को तो दूध नहीं है पीने के लिए, ये शराब बेच रहे हैं वहाँ पे, ये ड्रामे कर रही है सारे। आप यहाँ सड़कों पे खड़े होके उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, वो संसद में खड़ी होके आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष पे चिल्ला रही है। देखिए उसको, मेरी बात सुनिए, वो उनका अपमान कर रही है, वो एक विधवा औरत है, उनकी उम्र देखिए, 75 ईयर उनकी उम्र है,
ठीक है, उनका अपमान, उनके 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 जो वो बोलती हैं बाल विकास, वो हैं जो मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं, वो उनके उनकी जो महिला सांसद हैं और उनके जो सांसद और हैं, उन्होंने आके उन पे अटैक किया। सर आपके जो सांसद हैं वो भी तो राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, और संसद नहीं चलने देते, उड़दंग मचाते हैं। इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, वो बात होगी, उन्होंने उनके लिए माफी मांग ली, तो इसका विवाद उनको इतना नहीं उठाना चाहिए था, गलती इंसान से होती है, उन्होंने इसकी माफी मांग ली, पर उन लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया और मुद्दे भूल गए। आप लोग मुद्दे नहीं उठा पाते सर। देखिए मुद्दे क्या उठाएंगे, मुद्दे जब हम बात करना चाहते हैं ये उस पर बात नहीं करते, जब हम बात करते हैं हमारे सांसदों को ये सस्पेंड कर देते हैं, तो बात तो करते नहीं, उस बात पे आते नहीं है, और मुद्दे उठाते रहते हैं अपने, जो इधर उधर की अपनी बातें करते हैं, जो मेन मुद्दे लोगों के हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात नहीं करते। अग्निपथ ले आए, अग्निपथ 4 साल के बाद क्या रिटायर हो जाएगा, ये लोगों से पूछो, ये आर्मी मैन खड़े हैं 4 साल बाद रिटायर, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, कहाँ जाएगा नौजवान, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, नहीं दिख रही 2 करोड़ नौकरियां। सारे नेता उतर गए दिल्ली की सड़कों पर, डिटेन हुए अग्निपथ की योजना उसको लेकर, लेकिन योजना का तो कोई फर्क पड़ा नहीं। देखिए ये जो तानाशाह सरकार है ना, मोदी तानाशाह सरकार, ये अपनी चलाती है, अपनी चलाती है ये, पर ऐसा नहीं है, देश की जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता इनको एक दिन रोड पे लाएगी, ये जनता के साथ जितना भी तानाशाही कर सकते हैं। देखिए हम लोग भी हैं, लोग भी हैं, जो लोग आना चाहते हैं, गरीब आदमी उनको बुलडोजर से डरा देते हैं, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं बुलडोजर के डर से, हम नहीं डरते इससे, ना हमारी कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले, आजादी के बाद, ना इनसे डरी है, ना कभी डरेगी, हम लोग जब तक ये अपना वापस नहीं लेंगे जन विरोधी फैसले, हम लोग सड़कों पे आते हैं और आते रहेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़े वो भी करेंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आईवाईसी की तरफ से। अरे आप टैक्स लगाओगे तो कैसे गुजार, या तो आप लोगों को रोजगार दो, जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादे, आप रोजगार दो, आप महंगाई, जो बेरोजगार, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर कैसे, टैक्स दे के, टैक्स दे के निर्भर बने, या 4 साल अग्निवीर बन के करें, चाय पकौड़ा बेच के, या चाय पकौड़ा बेचे, बताओ इन्होंने, मोदी जी आप बताइए, क्या एक MBA के लिए एक क्राइटेरिया है कि चाय बेच के ही वो नौकरी पाएगा? आप नौकरी निकाली ना, आज चपरासी की नौकरी लगते हैं, 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, आप बताइए, मतलब बेरोजगारी दर क्या हो चुकी है, आपको आज बता दूं, इनकी जो अग्निपथ में एक बात बताइए, जो 17 साल का बच्चा होता है पढ़ने लगता है, जो 21-25 साल तक अपना वो करता है, वो एक सेना में भर्ती इसलिए होता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, सरकार की सेवा करे, एक 4 साल में वो बॉर्डर पे मरने जाएगा क्या, आप बताइए, 11-12 लाख रुपए देके एहसान नहीं करे, आप 5 साल के जो नेता बनता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक बार एक MLA चुन जाता है उसकी पूरी जिंदगी भर की पेंशन है, दोबारा बनेगा तो 2 पेंशन है, 3 बार बनेगा 3 बार पेंशन है, एक आर्मी का जो आदमी जाता है, अगर वो 4 साल भी कर रहा है उसकी पेंशन करिए ना, उसको आर्मी का दर्जा दिया है, उसको आप सैनिक का दर्जा दे दीजिए, वो क्या मांग कर रहा है, मुझे एक सैनिक का दर्जा दे दीजिए और जो सैनिक का सम्मान है वो दे दीजिए, जो पूरी नौकरी करके आता है उसको तो नौकरी मिलती नहीं है, 4 साल वालों को कौन नौकरी देगा सर, देशभक्ति में 4 साल के और 4 दिन, हमारे सिर्फ आप सबके माध्यम से एक ही अपील है कि ये बैरी सरकार सुने और गरीब की आवाज सुने और इन टैक्स पे जो GST लगाया इसको वापस लेने का काम करे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग कर रखी है IYC जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर, इन्होंने आज प्रोटेस्ट खोल दी थी, जो GST लगाई गई है दूध दही पनीर पर, उस पर प्रोटेस्ट खोल दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर बाहर तक नहीं निकलने दिया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की चेतावनी लगी हुई है कि एक धारा 144 लगा दी गई है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अगर जनता के मुद्दों पर कोई प्रदर्शन भी करना चाहता है, आवाज़ भी उठाना चाहता है, तब भी उसको जो है बंद कर दिया जाता है, घेराव कर दिया जाता है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, दूध दही गैस सिलेंडर हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो आम जनता है वो त्रस्त है, फैमिली जो है, जो बाल बच्चोदार वाला आदमी है जिसकी फैमिली है वो फैमिली नहीं चला पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं, संसद में सरकार खुद कहती है कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जो है एप्लीकेशन आए थे युवाओं के, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 7 लाख लोगों को जो है
वो दिया, रोजगार दिया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1% भी लोगों को इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रोजगार की बात करते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है। एक तरह से पूरा जो गुजरात मॉडल था आज वो पूरे भारत में लागू है। हम इस वक्त आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे शास्त्री भवन से। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़, दिल्ली।